हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब ने मेरे पहले वाले वीडियो देख लिए होंगे, बीकॉम सेम फाइव के मैनेजमेंट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट है और स्टेट के जो लेक्चर मैंने अपलोड किए थे। शायद आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो मैंने वीडियो अपलोड किए थे। वो भी अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आज का इस वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज का इस वीडियो है हमारा बीकॉम सेम फाइव मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है गुणोत्तर विश्लेषण। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये चैप्टर का नाम है गुणोत्तर विश्लेषण और उसका पेज नंबर है 108 और 109। आज हम गुणोत्तर विश्लेषण के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ सूत्र जो है वो आपको बता देना चाहता हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो हर एग्ज़ाम में पूछाते ही है, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, इंटरनल एग्ज़ाम हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम हो, उसमें ये सूत्र जो है वो पूछाने की संभावना है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले हमें यहाँ से हमारे जो सम है, जो सूत्र है, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सूत्र है, और सॉरी, ये हमारा सूत्र यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वेचाण संदर्भ में नफा कारकता नो गुणोत्तर। तो सबसे पहला सूत्र है काचा नफा नो गुणोत्तर, उसका सूत्र जो है काचो नफो भाग्या वेचाण गुणिया 100। इसके बाद संचालन गुणोत्तर का सूत्र है वेचल मालनी पड़तर प्लस संचालन खर्चा भाग्या वेचाण गुणिया 100। इसके बाद खर्च गुणोत्तर है तो टोटल हमारा जितना खर्च हुआ वो भाग्या वेचाण गुणिया 100। इसके बाद चोखा नफा का जो सूत्र है वो क्या है, चोखो नफो भाग्या वेचाण गुणिया 100। चोखो नफो, तो चोखो नफो हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, ब्याज अने करवेरा बाद में चोखो नफो हम यहाँ पर लेंगे। और इसके बाद ये जो है वो यहाँ पर टिप्स दी हुई है कि ये सूत्र किसके लिए यूज़ होता है। अगर आप पेज नंबर 108 देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद सूत्र है रोकाइली मूड़ी पर वर्तर, तो इसका सूत्र है चोखो नफो भाग्या शेर मूड़ी प्लस अनामतो प्लस लंबा गाड़ाना देवा माइनस अवास्तविक मिलकतों गुणिया 100। इसमें भी दोस्तों चोखो नफो कौन सा लेना है, व्याज अने करवेरा पहलानो लेना है। ऊपर हमने करवेरा नो बाद का लिया था, यहाँ पर करवेरा पहलाना लेना है। इसके बाद शेयर होल्डर ना भंडोड़ो, ये इसका सूत्र है चोखो नफो प्लस भाग्या चोखो नफो भाग्या शेर मूड़ी प्लस अनामतो गुणिया 100। इसके बाद इक्विटी भंडोड़ों पर वर्तर, इसमें है चोखो नफो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भाग्या इक्विटी भंडोड़ों गुणिया 100। इसके बाद शेर मूड़ी ने कमाणी नो दर करवेरा बाद नो चोखो नफो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भाग्या इक्विटी शेयर की संख्या। ये सूत्र भले छोटे छोटे हो लेकिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो जो एग्ज़ाम में पूछा सकता है वही मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। ये चालू गुणोत्तर चालू मिलकत भाग्या चालू देवा, प्रवाही गुणोत्तर प्रवाही मिलकत भाग्या प्रवाही देवा। इसके बाद मालिकी गुणोत्तर, तो मालिकी ना भंडोड़ो भाग्या कुल भंडोड़ो। इसके बाद ये यहाँ पर भी सूत्र जो है पेज नंबर 109, इसमें हम देख लेते हैं स्टॉक चलन दर का सूत्र है वेचल मालनी पड़तर भाग्या सरेरा स्टॉक, दीवादर नो गुणोत्तर दीवादर प्लस लेने उंडी भाग्या उधार वेचाण। इसके अलावा इसके अथवा में एक और सूत्र है देवादरों प्लस लेने उंडी भाग्या उधार वेचाण गुणिया कामना दिवसों। इसके बाद लेनदारों नो गुणोत्तर
लेनदारों गुणोत्तर लेनदार प्लस देवी उंडी भाग्य उधार खरीदी। इसके इसके अथवा में है लेनदार प्लस देवी उंडी भाग्य उधार खरीदी गुणिया कामना दिवस। इसके बाद ये लास्ट है आपका देवा चुकवणी आवरण गुणोत्तर। इसमें देवा चुकवणी माटेनो नफो भाग्या मुद्दल न हो तो प्लस व्याज। दोस्तों ये छोटे छोटे सूत्र जो थे वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। जो जो गुणोत्तर मैंने आपके सामने समझाया, जो सूत्र मैंने आपको बताया, वो आपको याद कर लेने हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख देख के भी आप ये इसे लिख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के बारे में जान सके और पढ़ाई कर सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आने वाले वीडियो में मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसे भी देख लिए देखना ना भूले। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।